हर हर महादेव। रुद्राक्ष। धरती पर रुद्राक्ष और शिवलिंग स्वयंभू शिव के प्रतीक के तौर पर पूजे जाते हैं। इस पूरी सृष्टि में इन दोनों से ज़्यादा पवित्र और शुभ और कोई नहीं है, परंतु अगर इनसे संबंधित नियमों का ध्यान नहीं रखा गया तो ये फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचाने का भी कारण बन सकते हैं। बहुत से ज्योतिषा आचार्य आपको रुद्राक्ष धारण करने की सलाह देते हैं। रुद्राक्ष पहनने से जीवन की रक्षा भी होती है, आप जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ने और सही निर्णय लेने में कामयाब होते हैं। रुद्राक्ष के लाभ तो अनगिनत हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे नियम भी हैं जो इसे धारण करने वाले व्यक्ति को हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि इन नियमों की अनदेखी या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जिस स्थान पर नवजात बच्चा माँ हो वहाँ रुद्राक्ष धारण किए व्यक्ति का प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश जाना भी पड़े पहले रुद्राक्ष को उतार कर बाहर रख दें। रुद्राक्ष पहनकर आपको धूम्रपान और मांसाहार से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से रुद्राक्ष पवित्र हो जाता है और इसका नुकसान आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। सोते समय रुद्राक्ष को उतार कर अपने तकिए के नीचे रख दें। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं या मन अशांत रहता है उन्हें इससे राहत मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें नींद न आने की समस्या है, तो रात को सोते समय रुद्राक्ष को अपने तकिए के नीचे रख दें। अगर आप किसी की शुभ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको पहले ही रुद्राक्ष को उतार कर रख देना चाहिए। इसे पहनकर जाने से यह अशुद्ध हो जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगता है। हमें कभी किसी दूसरे व्यक्ति का पहना हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए और ना ही अपना रुद्राक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को पहनने के लिए देना चाहिए, और रुद्राक्ष को कभी गंदे और जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो रुद्राक्ष पहनने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।